मेरा स्क्रीन विजिबल है सबको? मैम यस मैम अब विजिबल विजिबल है। यस मैम यस मैम स्टार्ट करने वाले हैं लाइव। गुड इवनिंग मैम। होती है उसके अंदर जो हमारे पास लॉ है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और सब केसेस में इमेजेस कैसे बनती है उनके बारे में पढ़ेंगे। ये वाला चैप्टर स्टार्ट। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ लाइफ क्या है। मैं भी आप अपने हिसाब से बता सकते हैं लाइफ क्या होती है। हम सॉल्व कर रहे हैं लंच रेट एनर्जी। बोलो बोलो मैम। सोर्स ऑफ एनर्जी मैम। लाइट सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी करेक्ट मैम। जो हमेशा स्ट्रेट डायरेक्शन पर रहती है। लाइट एक तरह की एनर्जी होती है और इसके कारण क्या हो पाता है मैम? प्रोवाइड सेंशन ऑफ विजन। रिपीट कर सकते हो मैम? प्रोवाइड सेंशन ऑफ विजन। करेक्ट। प्रोवाइड द सेंसेशन ऑफ विजन। हमें जो चीजें दिखाई देती हैं, अगर आप अंधेरे पूरे रूम में अगर अंधेरा है जहाँ कोई लाइट नहीं जा रही है तो कुछ देख ही नहीं पाओगे, पर जैसे ही आप रूम में लाइट ऑन करते हो तो आपको चीजें दिखने लग जाती है। तो लाइट वो टाइप ऑफ एनर्जी है जिसके कारण हमें सेंसेशन पहुंचती है कहाँ पर? हमारी आंखों में, ताकि हम देख। क्लियर है सबको ये? हम आज की क्लास में क्या करने वाले? सबसे पहले हम ये देखेंगे लाइट के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स, लाइट कैसे जाती है और क्या क्या कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे रिफ्लेक्शन क्या होता है और उसके लॉस क्या होते हैं, और अगर मैं बात करूँ एक प्लेन मिरर की तो उसमें कैसे इमेज बनती है, और कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे अगर टाइम बचा। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो हमारे पास लाइट दो चीजों से बनी होती है, एक तो इलेक्ट्रिक पार्ट और एक मैग्नेटिक पार्ट। क्या कह रही हूँ? इसमें इलेक्ट्रिक भी मिला हुआ होता है और मैग्नेटिक भी मिला हुआ होता है, इसीलिए इसको कहते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, तो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन का एक पार्ट होती है लाइट, जिसके कारण हमें क्या दिखता है? ऑब्जेक्ट दिखते हैं। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। अब किसी को पता है वैक्यूम क्या होता है मैम? जो इसके अंदर स्पेस नहीं होता। कुछ भी नहीं है, खाली जगह है, बिल्कुल खाली, कोई पार्टिकल नहीं है, ना इलेक्ट्रॉन है ना कुछ है। तो वो हमारा क्या हो जाएगा? वैक्यूम हो जाएगा, बिल्कुल खाली जगह। अब अगर हम बात करें लाइट की तो लाइट की अलग अलग स्पीड होती है। जब हम बात करते हैं वैक्यूम या एयर की, मतलब या तो उसमें कुछ भी ना हो या बस हवा हो, उस केस में लाइट की स्पीड होती है 3×10^8। ये नंबर याद रखना है पूरा लाइफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइट किस स्पीड से ट्रैवल करती है। 3×10^8 सी लिखते हैं। ठीक है, तो ये भी स्पीड ही, तो हम यहाँ पे मीटर पर सेकंड लिखते हैं। ये क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है वेवलेंथ। जो लाइट है वो ऐसे वेव की तरह चलते, लहरों की तरह, पर वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक जा सकती है। जैसे अगर आप अपने कमरे में छोटा बल्ब जलाओगे तो वो थोड़ी दूर तक रोशनी करेगा, बड़ा बल्ब जला रहे हो तो ज्यादा दूर तक करता है। यस यस मैम। यस मैम। यस
यस मैम। जो लाइट है वो कितनी दूर तक जा सकती है या कितना लंबा रास्ता पार करती है वो आप वेवलेंथ समझ सकते हो। और अलग अलग पॉसिबिलिटी है, कोई बहुत थोड़ा सा भी करती है, कोई बहुत ज्यादा भी करती है। जब लाइट ऐसी होती है कि उसकी वेव की लेंथ एक रास्ता पार करने में या तो 400 nm का मतलब है यहाँ पे नैनोमीटर, नैनोमीटर कितना पावर होता है नैनोमीटर के लिए 100 nm 10^-9 10^-9 meter जाके तब नैनोमीटर बनता है। मगर जब 400 से 800 nm में हमने वेवलेंथ पे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं विजिबल लाइट। तब हमें वो जो सात रंग होते हैं इंद्रधनुष की वो तब दिखते हैं। अगर इससे थोड़ा सा नीचे आ जाओ या 800 से थोड़ा ऊपर चली जाओ तो हमें वो लाइट नहीं दिखती। ये समझ आया सबको? यस मैम। अब कोई मेरे को ये बताएगा कि कहीं पर भी सिग्नल होते हैं तो लाल रंग के ज्यादा होते हैं या ब्लू कलर? रेड मैम। लाल। रेड। 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 अब उसके पीछे रीजन समझते हैं कि रेड के क्यों होते हैं। क्योंकि आप यहाँ देखो जब यहाँ वेवलेंथ लिखी हुई है कि कितनी दूर तक जा सकते हैं तो 700 पे जब इतनी बड़ी वैल्यू है तब मेरे को लाल मिल रहा है और 400 पे नीला मिल रहा है। तो अगर मैं लाल रंग लगाऊंगी तो उसकी पहुंच बहुत दूर तक होगी कि दूर बैठा इंसान भी उसे देख सकता है क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज्यादा है। क्लियर है सबको? हमेशा याद रखना कि लाइट को आप ऐसे मत बनाना कि भाई ऐसे भी जैसे मुड़कर आ गई। ये पॉसिबल है एक सीधे रास्ते में चलो। क्लियर है? यस मैम। और जो पास ऑफ अ लाइट होता है उसको हम रे लिखते हैं। रे का मतलब क्या है? एक जगह से हमें पता है शुरू तो हो रही है पर ये नहीं पता है कहाँ पे खत्म होगा। क्लास लगी जब वो हम झट बोलते पर रुको तो बच्चे को बहुत बड़ा बनता। प्लीज इनके घरों में बैकग्राउंड में कुछ कुछ आवाज आ रही है, कोई फैमिली मेंबर हो सकता है कुछ बोल रहा हो, प्लीज म्यूट कर लो क्योंकि बाकी सबको भी डिस्टर्ब होता है। अब यहाँ पे अगर बहुत सारी हम लोग लाइट की बीम ले क्या क्या लाइट की बहुत सारी रे ली है तो इन सारी रे को मिला के हमें क्या मिलती है? बीम मिलती। बीम जैसे जब आप अपने फोन से टॉर्च जलाओगे या फिर नॉर्मल टॉर्च भी जलाओगे तो आपको एक छोटे से एरिया में से ऐसे इतनी सारी 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 रेज निकलती हुई दिखती है जिसके कारण रोशनी हो जाती है। तो वो जो इतने सारा बंडल होता है उसको क्या कहते हैं? बीम कहते हैं। क्लियर है सबको? यस मैम। लाइट ऑलवेज ट्रेवल अवे फ्रॉम द लाइट सोर्स। अगर मेरे पास बल्ब यहाँ है तो लाइट इससे दूर भागती है तभी तो सारी जगह फैलती है। अगर लाइट इसके पास जाएगी तो रोशनी थोड़ी हो सकती है। यहाँ पे रोशनी होने के लिए जहां पे सोर्स होता है मतलब बल्ब है, ट्यूबलाइट है, कोई भी चीज है जिससे लाइट बन रही है तो लाइट उससे फैलती है सारी तरफ। क्लियर है ये? Yes, ma'am. अब यहाँ पे आपके लिए फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की लिस्ट सारा अभी याद करने अगर नहीं हो रहा है कोई बात नहीं पर ये ध्यान कि ऑर्डर क्या है। अब देखते हैं हम लोग सबसे ज्यादा वेवलेंथ की बात करें तो वो होती है रेडियो वेव, जो रेडियो सिग्नल्स होते हैं उसमें उससे थोड़ी सी कम होती है माइक्रोवेव, फिर उससे कम इंफ्रारेड में, उसके बाद अल्ट्रावायलेट में, फिर एक्सरे में और फिर हमारे पास आती है गामा रे। इतना क्लियर हुआ है? यस मैम। यस मैम। और इन्हीं के बीच में हमारे पास यहाँ पे इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट के बीच में हमारे पास विजिबल रेंज आती है। कभी भूल जाओ कौन किसके बीच में आ रहा है? याद रखो यूवी। यूवी लाइट तो सुना होगा?
यस मैम यस मैम यस मैम है कि यूवी लाइट, बस यूवी का मतलब अल्ट्रावायलेट विजिबल और यहाँ पे इंफ्रारेड, उसका मतलब ये नहीं होता है, उसका मतलब तो अल्ट्रावायलेट ही होता है, पर याद करने का तरीका है आप यूवी बोलोगे अच्छा अल्ट्रावायलेट पहले आएगी, फिर वी आता है तो विजिबल आएगी, फिर आई आ रहा है तो इंफ्रारेड आएगी. क्लियर है सबको? यस मैम. और सबसे छोटी होती है हमारी, सबसे बड़ी होती है रेडियो, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी याद रखना उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसकी वेवलेंथ कम होगी, दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, इनवर्स होते हैं. अब यहाँ पे बोला है द वेवलेंथ ऑफ द विजिबल रीजन इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज, और यहाँ पे नोट कर रखा है कि एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं. अब आप मैम बी एंड सी मैम ए एंड सी ए एंड बी एंड सी बी एंड सी मैम बी एंड सी बी एंड सी. अब देखो मैंने आपको बताया था नैनोमीटर होगा 400 नैनोमीटर होगा, जब मैं फिक्स कर सकती हूँ कि 400 के साथ तो नैनोमीटर ही आएगा, तो पहले ऑप्शन में 400 तो है पर साथ में तो मिलीमीटर लगा हुआ है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया. ये समझ आए? यस मैम. अब अगला चलते कि ठीक है ये तो हमने बोला था, अब उससे आगे में हमारे पास है 4000 एंगस्ट्रॉम, इसका मतलब क्या होता है कितनी पावर? टेन की पावर माइनस टेन, याद रखना उसको बोलते हैं एंगस्ट्रॉम. तो अब देखो नैनोमीटर में हमें 10 की पावर माइनस 9 चाहिए. अब इसको अगर मैं ऐसे कर दूं कि इसका एक 10 इसको दे दूं 410 की पावर माइनस, ये कैसे कर रही हूं मैं 10 की पावर माइनस 10 को ये लिख सकती हूँ 10 की पावर माइनस 9 इंटू 10 की पावर माइनस 1, ये लिख सकती हूँ या नहीं लिख सकती हूँ? यस मैम. अब 10 की पावर माइनस 1 मतलब 4000 बटे 10, 0 से 0 कट गया, क्या बचा 400 इंटू 10 की पावर माइनस 9, और वो हमारे पास क्या होता है नैनोमीटर, तो सेम आंसर आएगा. तो बी और सी करेक्ट है और ए इनकरेक्ट. क्लियर है सबको? यस मैम. यस मैम. यस मैम. यस मैम. अब एक बार ये देख सब लोग एनिमेशन देखो एक बार, सारे ध्यान से सबने देख लिया है. यस यस मैम. अब इन फोटोज से क्या पता चल रहा है कि लाइट से क्या क्या हो सकता? सबसे पहले है रिफ्लेक्शन, कि कुछ रुकावट आई, कुछ ब्लॉकेज आया मेरे पास और क्या हुआ लाइट आके वहां से उल्टी रिफ्लेक्ट हो गई, मुड़ के चली गई. रिफ्रैक्टिव में, रिफ्रैक्टेड में क्या होता है, एक मीडियम में से मतलब एक सराउंडिंग में से आ रही थी और दूसरे में जाना चाह रही थी, तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हुई, वापस नहीं गई है, बल्कि उसमें थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होके चली गई. अब आप कहोगे कि मैम आपने बोला था लाइट स्ट्रेट लाइन में जाती है, तो देखो जब हम एयर की बात कर रहे हैं ठीक है, तो एयर में तो लाइट सीधी जा रही है ना यहाँ से यहाँ तक, ये दिख रहा है सब? यस मैम. यस मैम. जैसे ही आप इस जगह पे आए इन दोनों सरफेस की बाउंड्री पे, तब लाइट थोड़ी सी चेंज हो गई, पर उसके बाद भी यहाँ से यहाँ देखो तो स्ट्रेट लाइन में जा रही है, तो स्ट्रेट लाइन में एक पर्टिकुलर मीडियम, मीडियम का मतलब है यहाँ पे ये नहीं कि बीच का, मीडियम का मतलब है जिस माध्यम से या जिस रास्ते से जा रही है, हवा से जा रही है, पानी से जा रही है, ठीक है, ये क्लियर है? यस मैम. यस मैम. यस मैम. फिर थर्ड है हमारे पास. यस मैम. हाँ बोलो रजिंदर, कोई कुछ बोल रहा था?
मैम मैसेज किया किसी ने. अच्छा एक बच्चे कोशिश करो कि अगर आपका नेट खत्म हो गया तो कहीं से नेट हॉटस्पॉट ले लो, क्योंकि क्लास तो फिर एक ही बार होगी ना. पहले इतना यूट्यूब वीडियोस क्यों देख रहे थे. बट अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो प्लीज रिकॉर्डिंग देख लेना. अब एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, हमारे पास लाइट आ रही थी सरफेस पे. अब लाइट कभी कभी एब्जॉर्ब भी हो जाती है, मतलब इस सरफेस के अंदर क्या हो गई, यूज हो गई है लाइट, तो उसको बोलेंगे एब्जॉर्प्शन. ट्रांसमिटेड का मतलब है यहाँ पे एक सरफेस पे हम लाइट दे रहे थे और वो लाइट दो तरीके से निकल सकती है, या तो बिल्कुल सीधी सीधी या फिर वो चारों तरफ फैल के निकले, डिफ्यूज हो गई. क्लियर है सबको? यस मैम. अब हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में. When light is incident on a surface separating two media, या फिर medium, कोई दिक्कत नहीं. A part of the light is bounced back to the first medium. This is known as reflection. अब इस definition को समझते हैं. When light is on a surface, जब light एक surface पे पड़ रही है, और कैसा सरफेस है जो दो चीजों को अलग कर, ये हवा और ये ग्लास, ठीक है, या फिर हो सकता है कुछ और, स्टील की टेबल. अब हमारे पास जैसी ये लाइट आई ये दो सरफेसेस के बीच में, तो यहां से क्या होगा, लाइट बाउंस बैक हो जाएगी और हमारे पास कौन से मीडियम में गई है, फर्स्ट वाले, जहां से शुरू किया था उसी मीडियम में वापस चली गई. ये क्लियर हुआ सबको? और इसको हम लोग रिफ्लेक्शन. अब रिफ्लेक्शन के कुछ टर्म्स हैं, जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और नॉर्मल. अगर ये मेरा सरफेस है, नॉर्मल का मतलब है 90 डिग्री, तो इस सरफेस पे मैं 90 डिग्री पे से लाइन बना. अब जैसे ही 90 डिग्री बन, अब मैं लाइट को भेज दूँ. मान लो लाइट इधर से आई है, मान लो कि लाइट ऐसे, अब आई लाइट फिर वापस जाएगी, तो लाइट ऐसे वापस चलेगी. अब वो एंगल जो ये आने वाली लाइट ने इस क्या बढ़ा रही है, साली बहन चोद क्या बढ़ा रही है तू, वहां कुछ समझ नहीं आ रही है मेरे को, कुछ समझ लोहड़ी कुछ समझ नहीं आ रहा था, ढंग से हम लोग पकड़ लेंगे. हम कल भी आएंगे. ओ हेलो, ढंग से समझ भी नहीं मैम, इसको निकाल दो क्लास से ऐसे ही. बैंड के लौड़े तेरे बाप को निकालो मादर चोद, पेपर पास किया है मां चोद, ऐसे थोड़ी ना आ बैठी. बैंड के लौड़े के लौड़े दोबारा मुंह से निकाल दिया ना, तेरी माँ चोद दूंगा, मादर चोद. One second, just give me one second everyone. I think we leave कर गया, right? Yes ma'am. Yes ma'am. Yes, ma'am. Fancy नहीं है. Let it be, बाद में deal करेंगे. Continue.
आप किसी को एंटर करना होगा तो प्लीज मेरे को व्हाट्सएप कर देना, मैंने एंट्री ऑफ कर दी है तो और कोई ज्वाइन नहीं करेगा। यस मैम। तो मैं क्या कह रही थी, जब हमारे पास लाइट आ रही थी और इस सब चीज से नॉर्मल बनाया तो उसके बीच में जो एंगल था वो था एंगल ऑफ इंसिडेंस। फिर हमारे पास लाइट रिफ्लेक्ट हो गई, फिर भी हम एंगल नॉर्मल के साथ ही देखेंगे और वो होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसा मेरे को आपके आंसर्स लग रहे हैं, आप लोगों ने पहले कुछ कुछ पढ़ा हुआ है तो कुछ पता है आपको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सर को भेज महाचोद, तेरा कुछ समझ नहीं आ रहा पढ़ाने वाला सिस्टम। मैम ये तो फिर आ गया, वही देखने मैम ये तो। अच्छा मेरे को एक सेकंड दो, मेकअप हो गया। मैम चला गया। यस मैम। मैम सबको म्यूट करके रखो। मैम ये लिंक शेयर करते हैं ना तो आ जाते हैं। हेलो मैम, मैम मैम ओए बादल चो सुन रही हो दौड़ी से ओए माचो तेरे को समझ नहीं आ रहा। मैं मैम बोल, इतनी प्यार से बात करन तेरे गांड में एक बात नहीं घुस रही है। पैन की लौड़ी रान तेरी फुजी में इतना बड़ा लंड घुसाऊंगा ना, तेरा खानदान बोलेगा आ किसने चोद दिया ऐसा भी तेरी माँ का लंड है मादर चोद। चला गया वो मैम, फिर से आया था। मैम सबको म्यूट कर दो। कौन है योर डैड? हाँ लक्षिता प्लीज कंटिन्यू टीचिंग। स्क्रीन विजिबल है आप सबको? यस मैम। तो मैं आप लोगों से पूछ रही थी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या इनके बारे में आपको कुछ पता है कि कौन सा ज्यादा होता है, ये कौन सा कम होता है? या डायग्राम से गेस कर सकते हो तो वो बता दो कि कौन सा। मेरे डायग्राम वो तेरे को सबको म्यूट कर मादरचोद, अभी याद आ रहे बैंड के लौड़े क्यों सबको म्यूट कर बोल रहे मां। मां आर यू देयर? दोबारा दोबारा बोल देना म्यूट कर दो सबको। तेरी गांड में जोर लगा लौड़े बैंड चोद। मैम चला गया।
म्यूट कर, पॉज दिस क्लास फॉर सम टाइम, ऑलराइट लक्षिता, जस्ट पॉज इट फॉर सम टाइम। गुड मैम, थ्रो हिम आउट ऑफ द क्लास। मैम द थिंग इज वो जैसे जस्ट 1 सेकेंड ओके मैम, मैंने अभी उस सबमिट कर दिया, अब नहीं आएगा। मैम मैम पार गया मैम, जो ना मैम थोड़ा आपको हेलो Hi Nishant, there is somebody called you dad who is joining this call and he is continuously creating a problem for the class and trying to mute him as early as possible. Mm-hmm. Sorry, he is so please take over from here. Hello, can you hear me? Yes, yes. Okay, hi Nishant, there's this person called you dad who is joining this class again and again. Just make sure that you're blocking this person, is not able to enter the class, firstly. Secondly, I've been trying to mute him as soon as he unmutes. Just keep a note of this guy. Lakshita, please continue teaching. Thank you and apologies. Bacho, sorry, thoda sa problem ho gaya hai, ye bacche aise badmashi karte hain. Aap log apna padhai continue karo, theek hai? ओके मैम, लक्षिता मैम, ये 9th क्लास है, 10th क्लास है? 10th। कौन है बच्चा, कौन है जानता है कोई इसको, कौन बच्चा है? यू डैड आपका है। सब बच्चा नाम से आता है और जैसे ही मतलब मैं रिमूव करने के लिए जाती हूँ वो अपने आप ही चला जाता है। मैंने एंट्री भी ऑफ कर रखी है बट वो फिर भी एक्सेस कर पा रहा है। You dad. Don't worry, Lakshita. We'll take it from here. Don't worry. आप continue करो. And sorry, बच्चों, आप लोगों को आप disturbance नहीं होगी. We're very sorry. Very sorry. Okay, ma'am. चले गए वो. Hopefully चले गए होंगे. मेरी आवाज आ रही है. सबको screen दिख रहा है? तो मैं एंगल और रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा रही थी। तो याद रखना, चाहे कहीं से भी भेजो, चाहे यहाँ से भेजो या यहाँ से भेजो, कितने भी एंगल से भेजो, 30 डिग्री से, 90 से, 0 से, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा बराबर होते हैं। ये सबसे पहला लॉ है हमारा रिफ्लेक्शन का, कि जिस एंगल से आप भेजोगे उसी एंगल से लाइट क्या है, बाउंस बैक। ये क्लियर है सबको? यस मैम। अगर कोई मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, कोई लाइट यहाँ से भेज रही हूँ एन से क्यू पर, तो कितना एंगल बना रही है मैम? 90 डिग्री। ये मेरा नॉर्मल था, यही था नॉलेज। अब मैं लाइट के साथ भेज रही हूँ तो कितना एंगल बन रहा है? 180 डिग्री।
एंगल बनाना है सब, एंगल बनाना आता है सबको? यस मैम, यस मैम, यस मैम। ये एक बेस होता है मेरे पास और यहाँ से हम लोग ऐसे मेजर करते हैं 30 डिग्री है, 60 है या 90 है, ऐसे करते हैं। यस मैम, यस मैम। तो ये वाला क्या होता है 60 ऊपर हो गया जैसे, और ये वाला क्या हो गया 90 हो गया, ऐसे हो जाएगा। यस मैम, तो ऐसे जा रहे हैं तो एंगल बढ़ रहा है और ऐसे आ रहे हैं तो एंगल क्या हो रहा है? अगर मेरी एक रे यहाँ पे है और दूसरी रे इसी के साथ में है तो वो तो बिल्कुल पैरेलल है, उनके बीच में कुछ एंगल ही नहीं है, कुछ एंगल नहीं है, मतलब कितने एंगल है? 0 डिग्री। समझ आया ये? हमारा तो बढ़ेगा पर अगर हम यहाँ पर है तो कुछ एंगल ही नहीं है, ये 0 डिग्री पर ही है। ये क्लियर हुआ है सबको? यस मैम। अब अगर मैं यहाँ पे लाइट को 60 डिग्री पे भेज रही हूँ तो कितना एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी मैम? मैं ये कह रही हूँ अगर मेरे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री है कि मैं 60 डिग्री पे एक लाइट को भेज रही हूँ तो रिफ्लेक्ट कितने एंगल पे होगी? मैम 60 डिग्री पे। वेरी गुड मैम, 60 पे। जितने एंगल पे मैंने भेजा है वो 60 है तो उसी पे वापस जाएगी। क्लियर है सबको? अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करती हूँ। मान लो आपको क्वेश्चन में पूछा जाए अ लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल 30 डिग्री विद द प्लेन ऑफ इंसिडेंस, तो उसको समझना है कि प्लेन ऑफ इंसिडेंस क्या होता है। अगर ये मेरा सरफेस है जिसपे मैं लाइट भेज रही हूँ जब लाइट आएगी जिस सरफेस पर टकरा रही है उसको कहते हैं प्लेन ऑफ इंसिडेंस। फिर से आ गया मैम वो। हेलो कौन है ये? फिर से आ गया आप लोग फिर से। आपकी आईडी, आपकी आईडी मैंने दे दी है ना साइबर सेल में, पता चलता है। सर लेफ्ट हो गया, लेफ्ट हो गया सर, डर के मैं भाग गई। कोई होता चलो। हाँ हाँ तो मैं क्या कह रही थी, जिस सरफेस पे लाइट हम भेजते हैं उसको कहते हैं प्लेन ऑफ इंसिडेंस। प्लेन एक हमारे पास कोई भी, जैसे आपके पास पेपर है वो एक प्लेन सरफेस, ऐसी किसी भी सरफेस पे जिस पे लाइट डाल रहे हैं वो है प्लेन ऑफ इंसिडेंस। अब मैं कह रही हूँ मैंने लाइट को भेजा है और लाइट ने एंगल बनाया 30 डिग्री विद प्लेन ऑफ इंसिडेंस, मतलब ये वाला एंगल 30 डिग्री है, ये मेरा प्लेन है और ये मेरी इंसिडेंट लाइन है, तो इसके बीच में ये वाला एंगल 30 डिग्री है। ये क्लियर हुआ सबको? यहाँ पे मेरी लाइट आ रही थी, इतना समझ आया आपको कि जिस सरफेस पे आ रही है उसको कहते हैं प्लेन ऑफ इंसिडेंस? अब मैं कह रही हूँ जो लाइट आ रही थी उसने एंगल बनाया 30 डिग्री पर नॉर्मल के साथ नहीं बनाया, प्लेन ऑफ इंसिडेंस के साथ बनाया, मतलब ये वाला एंगल 30 डिग्री है। ये क्लियर हुआ? ये पूरा एंगल कितना था? 90 डिग्री। अब इसमें तो इतना हिस्सा 30 डिग्री है तो ये बचाव कितना हो जाएगा? 60। अगर आपके पास क्वेश्चन आ रहा है अ बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट एंगल 30 डिग्री विद द प्लेन ऑफ इंसिडेंस, फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा?
याद रखना है एंगल ऑफ इंसिडेंस हम किसको बोलते हैं जो रे नॉर्मल के साथ बनाती है, क्लियर है सबको? यस यस मैम। यस मैम। क्या पूछा? अब हमारे पास लॉस पे चलते हैं फिर से। जो फर्स्ट लॉ में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसीलिए अगर आप पेपर में बनाओगे भी, ठीक है, स्कूल में जो पेपर होंगे उसके लिए, तो ध्यान रखना ये दोनों एंगल बराबर बनाना, आई और आप कितना भी ले सकते हो, 30 भी ले सकते हो, 60 भी ले सकते हो, 75 भी, पर दोनों को बराबर बनाना, ठीक है? सेकेंड है हमारे पास इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। अब इसको समझते, ये मेरा प्लेन सरफेस था, ये मेरा प्लेन सरफेस है, ये मेरे पास नॉर्मल। अब मैं यहाँ पे ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे, ऐसा हो रहा है कि मैं कहूं कि चलो ठीक है, इंसिडेंट यहाँ पे आ रही थी, रिफ्लेक्टेड यहाँ से निकली और नॉर्मल कहीं और है, क्या ऐसा हो रहा है? नो मैम। यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो ये तीनों के तीनों एक ही जगह पे मिलते हैं, एक ही जगह पे मिल रहे हैं यहाँ पे तीनों के तीनों। तो हमारे पास इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, एक सेम प्लेन सरफेस पे मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इंसिडेंट इधर आ रही है, रिफ्लेक्टेड इधर आ रही है, नहीं, दोनों एक ही जगह मिल रहे हैं, एक ही जगह से निकल रहे हैं, क्लियर है सबको? ये जो नॉर्मल है ना उसको कहीं भी बना, ऐसा जरूरी नहीं है बीच में बना। अगर मैंने लाइट को भेजा यहाँ पे तो मैं यहाँ पे 90 डिग्री बना दूंगी, अगर यहाँ भेजा है तो यहाँ 90 डिग्री बना दूंगी, जहां पे भी लाइट भेजी आपने वहां से आप 90 डिग्री बनाते हैं, ये क्लियर है सबको? यस मैम। थर्ड, द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल, ये तो बहुत इजी है, एक नॉर्मल की लेफ्ट साइड है तो दूसरा नॉर्मल की राइट साइड, राइट साइड, क्लियर है सबको? यस मैम। अनिता जी, आपको डाउट है? यस मैम। सेकंड पार्ट फिर से समझा सकते हो? हाँ बिल्कुल। देखो हमारे पास यहाँ पे क्या है, तीन चीजें हैं, इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल। अगर आप ध्यान से देखो, मैं डायग्राम दो तरीके से बनाती हूँ, पहले जब क्लियर, ये मैंने दो डायग्राम बनाया। फर्स्ट वाले में हमारे पास देखो इंसिडेंट यहाँ पे आ रहा है, रिफ्लेक्टेड अपनी मर्जी से कहीं दूर से निकल रहा है और नॉर्मल कहीं और ही बना दिया है, या नॉर्मल को चलो बीच में भी बना देते हैं अलग जगह पे। सेकंड वाले में आप देखो इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल तीनों एक ही जगह पे मिलते हैं, ये दिख रहा है अनिता? यस मैम। तो इस केस में भी हमारे पास क्या है, तीनों भी तीनों है तो सेम प्लेन पे, पर क्या एक जगह मिल रहे हैं? ये तो अपनी मर्जी से कहीं पर भी निकल रहे हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक तो एक सिंगल पॉइंट पे मिलते हैं और तीनों के तीनों एक ही सरफेस पे मिलते हैं। ये नहीं कि मैं कह दूं इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड यहाँ पे मिल रहे हैं, नॉर्मल यहाँ पे अलग से मिलेगा, नहीं, तीनों के तीनों एक ही जगह मिलेंगे और एक ही प्लेन सरफेस पे, क्लियर है सबको? और जो थर्ड वाला था वो ये था कि एक नॉर्मल के लेफ्ट में होगा तो दूसरा नॉर्मल की राइट में होगा, राइट साइड में, चाहे वो लेफ्ट से राइट जाए या राइट से लेफ्ट जाए, क्लियर है सबको? यस मैम। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास पर मैं ओवर कर रही हूँ, आप लीव कर सकते हो, आप लोग लीव कर सकते।